गुमला के विधायक मंगेश कुंडालकर के प्रयासों से नेहरू नगर की कई बिल्डिंगों के कंपाउंड में पेवर ब्लॉक और चेकर लादीकरण का रविवार को लोकार्पण उन्हीं के हाथों संपन्न हुआ। इन सभी इमारतों में खुद विधायक जी पहुंचे थे, जिनका वहां के रहवासियों ने गुलदस्ता देकर और मिठाइयां खिलाकर स्वागत सत्कार किया। पेवर ब्लॉक और चेकर लादीकरण का काम हो जाने पर नेहरू नगर के इन बिल्डिंग के लोगों ने विधायक मंगेश कुंडालकर का आभार व्यक्त किया और उन्हें एक कर्मठ विधायक बताया। नेहरू नगर ही मुंबईतली जुनी कॉलोनी आहे आणि गेल्या काही वर्षांमध्ये तिने रूप पालटलेलं आहे स्वतःचं। पुनर्विकासाच्या माध्यमातून ही कॉलोनी नवी झालेली आहे आणि त्या नव्या कॉलनीला साजेस असं एक ज्याला आपण म्हणतो की मोठा आवार आमचं जे आहे त्याचं लादीकरण आम्हाला सगळ्यांना करायचं होतं आणि आमच्या विभागातले लोकप्रिय आमदार मंगेश कुडाळकर हे सुदैवाने आमच्या शेजारीच आहेत आणि या विभागाचे चांगले लोकप्रतिनिधी आहेत। त्यांच्याकडे विनंती केल्यानंतर त्यांनी ती मान्य केली आणि आम्हाला एवढं सुंदर काम आमदार निधीतून करून दिलं, त्याच्याबद्दल आम्ही त्यांचे आभारी आहोत आणि त्यांच्या सगळ्या कार्याला आणि पुढच्या राजकीय वाटचालीला आमच्याकडनं शुभेच्छा। ये माडा कॉलनी पूरी पूर्व विकास में जो हमारी सब ग्रैंड मा संस्था है वो अभी रिडेवलपमेंट हो गई है, उसका पुनर्विकास हो गया और उसके बाद में भी कुछ हमारे बिल्डिंग्स के जो फेवर ब्लॉक थे लाधिकरण थे वो बहुत ही ख़राब हुए थे और इस सभी इमारतियों की मांग थी कि हमें इस फेवर ब्लॉक हमें अच्छी तरह से ला के दीजिए, हमारा आवार और अच्छी तरह से सुशोभित किया जाए। और इसके तहत हमने नेहरूनगर के करीबन एक 15 बिल्डिंग हम उन्होंने यहाँ पे लिए, जिससे जिसका फर्स्ट 10 नंबर बिल्डिंग जो यहाँ की है इसका लोकार्पण हमने यहाँ पे किया हुआ है और ऐसी और 7 बिल्डिंग का काम हमने पूरा किया है और 4 बिल्डिंग का काम और चालू है और 5 बिल्डिंग का काम जैसे तिलक नगर है सेल कॉलोनी उधर भी वैसे ही काम चालू है। जैसे मतलब ये इमारतियों का काम है वैसे ही अन्य बहुत सारे काम है वो काम भी हमारे निधि से हो रहे और मुझे सही मायने से मतलब मैं हमेशा शाखा प्रमुख रहा उप प्रमुख रहा, लेकिन यहाँ के जो पहले सब लोकप्रतिनिधि थे वो कभी निधि का वापर या निधि का अच्छी तरह से उसका नियोजन करना 18 साल से हम लोग देख रहे हैं, लेकिन इसमें इस विभाग में किसी ने वो निधि का उपयोग नहीं किया, लेकिन जो मेरे पास निधि है उसका पूर्ण उपयोग मैंने अपने विभाग के विकास के लिए किया हुआ है। वहीं विधायक मंगेश कुंडालकर ने बताया कि इन बिल्डिंगों में रहने वाले लोग उनके पास आए थे और पेवर ब्लॉक और चेकर लादीकरण की मांग की थी, जिस पर प्रशासन के साथ मिलकर ये काम पूरा करवा दिया गया। अब बिल्डिंगों के ओसी सहित थोड़े काम पेंडिंग रह गए हैं, जिसे पूरा करने का प्रयास जारी है। या वेळेचा औचित्य साधून श्री मंगेश जी या ठिकाणी आले, त्याबद्दल आमच्या संपूर्ण सोसायटी तर्फे त्यांचे आम्ही आभारी आहोत। या ठिकाणी अतिशय उत्कृष्ट प्रकारे या बिल्डिंगला फ्लावर ब्लॉक बसवण्याचं कार्य त्यांच्या माध्यमातून झालेलं आहे, त्याबद्दलही पुन्हा त्यांना आम्ही धन्यवाद देतो आणि पुढे त्यांच्या कार्यासाठी अनेक 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 शुभेच्छा व्यक्त करतो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। अंतरिक्ष सोसायटीचं आज या ठिकाणी फ्लावर ब्लॉकचं लोकार्पण आणि आज या ठिकाणी सर्व रहिवाशांना ही सुविधा देताना हे लोकार्पण करताना मला अत्यंत आनंद होत आहे आणि हे रहिवाशी सातत्याने आपल्या संपर्कात होते आणि सातत्याने त्यांना हे काम करून हवं होतं आणि त्याच काम करून दिलं समाधान मला स्वतःला व्यक्तिशः आहे आणि बाकीची जी काही कामं असतील पेंडिंग ओसीपर्यंतची तीसुद्धा ह्या ठिकाणी करण्याचं आपण करू। मुंबई से CEN न्यूज के लिए राज पांडे की रिपोर्ट। CEN न्यूज, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।